हेलो दोस्तों, ये गाड़ी है टाटा एस गोल्ड पेट्रोल PSX। और इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गाड़ी कभी कभी रेस नहीं लेती है। ओके, तो अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये गाड़ी स्टार्ट है और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी वार्निंग लैंप नहीं आ रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी ये गाड़ी स्टार्ट है और ये एस गोल्ड PSX पेट्रोल का इंजन है। ओके, और अभी मैं आपको एक्सीलेटर दबा के भी चेक करा देता हूँ। कभी कभी तो सही एक्सीलेटर लेती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एक्सीलेटर लेना ही बंद कर देती है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम इस गाड़ी के अंदर लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं और चेक करेंगे कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोड आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम गाड़ी की डिटेल्स को फिलअप करके स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इसके अंदर कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। ओके, और ऑल ETC में भी दोस्तों कोई भी फॉल्ट कोड नहीं, ना ही मेमोराइज है ना कंफर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हीकल पैरामीटर में कुछ पैरामीटर को सिलेक्ट करेंगे एक्सीलेटर को चेक करने के लिए कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले एक्सीलेटर पैडल पोजीशन, एक्सीलेटर पैडल इनपुट 1 और इनपुट 2, और एक पैरामीटर और सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, इंजन स्पीड वाला, और स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट है और मैं जैसे जैसे इस गाड़ी के एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ, वैसे वैसे इसके RPM बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक्सीलेटर पैडल की पोजीशन है दोस्तों, जो कि 15 से 20-25 तक ही जा रही है। ओके, जो कि एक्सीलेटर पैडल जब हम फुली प्रेस करते हैं तो 100% तक जानी चाहिए, और इस गाड़ी का जो है एक्सीलेटर पैडल पोजीशन है वो 20-15% इतना ही जा रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक्सीलेटर फुल्ली प्रेस किया हुआ है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो 0 से 25% ही है, जो कि 100% होनी चाहिए। और यदि बात करें इसके एक्सीलेटर पैडल की वायरिंग के या ECU के बारे में, अगर ECU फॉल्टी होता है या वायरिंग फॉल्टी होती है दोस्तों, तो इसके अंदर पहली बात तो फॉल्ट कोड जनरेट हो जाता, शॉर्ट सर्किट टू ओपन या शॉर्ट सर्किट टू बैटरी। तो हमें इसमें एक्सीलेटर पैडल का ही प्रॉब्लम लग रहा है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं इस गाड़ी में एक्सीलेटर, ये इसका पुराना एक्सीलेटर है, अभी दूसरा पैडल लगाया हुआ है मैंने। ओके, और उसके बाद फिर से मैं लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि पहले जो परसेंटेज दिखा रही थी वो उसमें कोई सुधार है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं व्हीकल पैरामीटर में पैरामीटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है और मैं एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले जो एक्सीलेटर पैडल पोजीशन 0 से 25% तक दिखा रहा था, अभी फुल्ली एक्सीलेटर प्रेस करने के बाद ये 100% पर हो गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो गाड़ी जो एक्सीलेशन होना चाहिए वो भी प्रॉपर है बिल्कुल। तो दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम थी एक्चुअल में वो एक्सीलेटर पैडल की ही थी, जिसकी वजह से ये गाड़ी कभी रेस लेती थी या नहीं लेती थी। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।